नमस्ते 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 स्वामी जी बोलिए जैसा आपने कहा तो वो हिसाब से मैं तो वो अभी टेन टेन इयर्स से बहुत वेट इंक्रीज हो गई थी एंड सेडेंट्री लाइफ था मेरा मेरा शॉप था इसलिए मेरा वेट तो बहुत बढ़ गया और वो वेट बढ़ने से मेरे को थोड़ा अम्बुलिकल अर्निया भी हुआ नहीं, नहीं। अभी लास्ट वन एंड हाफ मंथ से जब डॉक्टर के पास चेकअप में गए थे उन्हें सर ने बोला था कि मुझे फैटी लिवर हुआ सो आई हैव टू डिक्रीज माय एवरीथिंग शुगर्स एंड सॉल्ट्स एंड एवरीथिंग एंड प्रेजेंटली आई एम ऑन डाइट नाउ सो डाइटिंग डजेंट मेक योर लाइफ बेटर या yeah, दैट्स uh, <laughs> मुझे एक्सपीरियंस हो तो uh, स्वामी जी मुझे तो एक्सपीरियंस हो रहा पैसे uh, hmm. तो खर्च हो रहे uh, 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 जैसे आपने कहा था वेट लॉस तो हो रहा मगर आई एम रिगेनिंग बैक तो ये ऐसे ही है जैसे कि नदी बह रहा है आप उसे रोकने की कोशिश करो थोड़ा टाइम आपके बस में है तो ऐसा लगेगा रुक गया मगर पीछे पानी इकट्ठा हो रहा है तो जैसे ही छोड़ेंगे तो और तेजी से बाढ़ आएगी है <laughs> <laughs> ना वेट, वेट कंट्रोल में कौन रखता है पहले ये थोड़ा समझेंगे आपका वेट कंट्रोल में कौन रखता है क्या आपके हाँ। डाइट की वजह से वेट कंट्रोल में रहता है या आपके लाइफस्टाइल की वजह से वेट कंट्रोल में रहता है तो ऐसे भी लोग हैं जो कि जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है वो ऐसे दुबले पतले हाँ वो तो है वो तो है।, है ना तो डाइट आपका अगर ऐसा कंट्रोल करेगा तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो दिन में पांच बार छह बार खाते हैं उनका वेट नहीं बढ़ता फिर भी पतले रहते हैं <laughs> फिर भी पतले ही रहते हैं और कुछ लोग हैं वो कहते हैं केवल हवा लेते हैं हवा खाते हैं उससे भी वेट बढ़ जाता है yeah. तो कुछ तो मिस कर रहे हैं तो हम yeah. वो तो देखना पड़ेगा हमको तो आपका वेट कंट्रोल में कौन रखता है जिनका वेट नहीं बढ़ रहा उनका कंट्रोल में कौन रख रहा है उनका बॉडी रख रहा है मगर ऐसा क्या है उनके बॉडी yeah. में जिससे कि वेट कंट्रोल होता है उनका जिससे उसका वेट कंट्रोल रहता है ऐसा क्या है शरीर के अंदर जिससे वेट कंट्रोल रहता है इसको अगर देखें तो इसको एक वर्ड बताऊंगा और उसके साथ में उसको एक प्रैक्टिकल चीज आपको बताऊंगा वो शब्द है इसे कहते हैं ग्रह पत्य अग्नि शरीर के अंदर फूड को यूटिलाइज करने की शक्ति होती है और शरीर के अंदर वो फूड को इस्तेमाल करने की स्ट्रेंथ जो है ना उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं ये तो वर्ड सुना ही होगा आपने मगर मेटाबॉलिज्म को किस चीज के साथ में कोरिलेट करें ताकि इसको बढ़ाया जा सके क्योंकि दवाई कोई आपका मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ाती फूड अगर डाइटिंग करेंगे तो कोई भी फूड मेटाबोलिज्म तो आपका कोई भी फूड आपका मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ाता है ठीक है कोई भी फूड मेटाबोलिज्म नहीं बढ़ाता हांड्री लाइफ स्टाइल को एक्टिव बनाओगे अगर ऑर्गन कमजोर है तो हार्ट अटैक हो जाएगा कई लोगों को देखो जोश में आके ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं हार्ट अटैक आ जाता है तो अभी क्या करना है ऑर्गन भी कमजोर हो गए है ना तो ये मेटाबॉलिज्म को प्रैक्टिकली किस चीज के साथ में कोरिलेट करें कि वो करने से मेटाबॉलिज्म बढ़ा सके पहली बात ये समझना जरूरी है कोई मेडिसिन मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ाती कोई फूड मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ाता ठीक है अब मैं आप मेटाबॉलिज्म को एक फैक्टर के साथ में रिलेट कर रहा हूं जिसे कहते हैं कुंभक जब भी आप जोर लगाते हैं किसी भी तरीके का यानी कि अगर आपका लाइफ लाइफस्टाइल नहीं होता एक्टिव लाइफ होता तो आप जोर लगा रहे होते है ना अलग अलग चीजों में जोर लगा रहे होते एक मजदूर है उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है क्योंकि वो दिन भर जोर लगा रहा है मगर जोर कैसे लगाते हैं बिना सांस रोके तो आप जोर नहीं लगा सकते ट्राई करके देखो खींच के देखो, देखो पुश करके देखो जंप करके देखो बिना सांस रोके वेट उठा के देखो बिना सांस रोके तो आप कोई भी जोर नहीं लगा सकते तो मेटाबॉलिज्म वीक हो गया इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली क्या मतलब है प्रैक्टिकली ये मतलब है आपकी सांस रोकने की कैपेसिटी कम हो गई मगर आपको जिम में जाके वेट उठा के सांस रोकने की तो जरूरत है नहीं आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं तो जैसे ही आप अपनी सांस रोकने की कैपेसिटी को यानी जोर लगाने की कैपेसिटी को बढ़ा देंगे आपका डाइजेशन इंप्रूव हो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाएगा यानी कि फूड जो कि आपके शरीर में पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है वो यूज होने लग जाएगा एक और एग्जाम्पल में बता देता हूं जो बैठ के भी कुंभक करेंगे ना तो भी आप क्या देखेंगे कि आपके शरीर में गर्मी बढ़ गई तो गर्मी जैसे ही बढ़ती है आपके शरीर की आपका शरीर जो फैट डिपॉजिटेड फैट है उसको यूज करना शुरू कर देता है फैट बर्निंग आपकी यही गृहपत्य अग्नि की वजह से होता अब फैट दो तरीके का होता है शरीर के बाहर से दिखता है एक फैट एक ऑर्गन के अंदर फैट होता है जो बाहर दिखता है स्किन के नीचे डिपोजिट फैट है उसको हम एडिपोस फैट कहते हैं उसका नाम रखा है एडिपोस एडिपोस फैट लेकिन जो आपके सेल के बीच में होता है टिश्यूज के बीच में होता है लिवर में होता है उस फैट को विसरल फैट कहते हैं विसरल फैट खतरनाक होता है। एडिपोस फैट जो बाहर शरीर के दिख रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो खराब है बहुत लोग मोटे होते हैं मगर बहुत एक्टिव होते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता लेकिन जब विसरल फैट अंदर का फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा लिवर में फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा किडनी में फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा हार्ट में फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा तो वो विसरल फैट बीमारी लेके आता है अब मैं आपको एक बात साफ साफ बता रहा हूं इसको आपको समझना जरूरी है आपका शरीर आपका कभी नुकसान तो नहीं करेगा ना आप अपना नुकसान कर सकते हो मगर आपका शरीर डिजाइन ही ऐसे हुआ है कि वो अपना अच्छा ही करेगा भला ही करेगा तो अगर वो फैट विसरल फैट बढ़ा रहा है लीवर का फैट बढ़ा रहा है तो ऐसी क्या गलती है जो आप कर रहे हो जिसकी वजह से वो बढ़ा रहा है तो पहली बात कोई भी इंफ्लमेशन या इंजरी होती है चोट लगती है आपको जलन होता है आप अपने खरोच लोगे स्किन को तो जलन होगा ना आप थोड़ा केमिकल रगड़ दोगे स्किन पे तो जलन होगा ना तो थोड़ा घी लगा लो देखो जलन कम हो जाएगा होगा कि नहीं घी लगा लो जलन कम हो जाएगा तो शरीर के अंदर आप दवाई खाते हो तो लीवर में वो केमिकल बॉम जाके फूटता है बूम अब लीवर को भी जलन हो रही है लीवर को नुकसान हो रहा है उसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है दवाई को निकालने के लिए क्योंकि केमिकल खाने के लिए तो आप डिजाइन नहीं हुए थे मगर केमिकल बचपन से खा रहे हैं तो लिवर सबका वीक है पूरे इंडिया में पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो तीन में से एक को फैटी लिवर है सिटीज में सिटीज में दो में से एक को फैटी लिवर है। इसका मेन मूल कारण क्या है आपको समझ में तो कम से कम आना ही चाहिए ना उसके बाद ही तो सॉल्यूशन मिलेगा पहले समझो उसका मेन कारण है क्योंकि आपके ऊपर केमिकल आप खाने की आपको आदत है बुखार होता है फट से पैरासिटामोल खा लेते हो दर्द की दवाई खा लेते घर सबके घर में होगा ना सबके घर में होगा उसके अलावा उल्टी होती है उल्टी बंद कर देंगे दस्त आता है दस्त बंद कर देंगे जो मर्जी आप तो सारा शरीर के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं लेकिन ये जो भी दवाई खाते हैं ये लिवर में सबसे पहले जाता है तो अगर आपको पांच मिलीग्राम चाहिए तो आपको पांच सौ मिलीग्राम खिलाया जाता है कितना मिलीग्राम पैरासिटामोल खाते हैं 500 मिलीग्राम खाते हो ना मिनिमम बड़े लोग जो खाते हैं 500 मिलीग्राम खाते हैं बच्चे खाते हैं ढाई मिलीग्राम खाते हैं तो ये 500 मिलीग्राम जरूरी है क्या आपके लिए नहीं 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 नहीं, नहीं आपके लिए पांच मिलीग्राम चाहिए ओनली फाइव तो इतना क्यों दे दिया क्योंकि फोर मिलीग्राम लीवर निकाल देगा शरीर से तो उसको ओवरलोड करना है तो पांच मिलीग्राम ओवरलोड किया चार सौ फाइव प्लस फाइव किया तो फाइव हंड्रेड मिलीग्राम किया यानी आप लिवर को टॉर्चर कर रहे हैं ना और टॉर्चर अगर लिवर हो जाएगा केमिकल उसमें जाएंगे तो वो अपने को बचाने की तो कोशिश करेगा जब तक हिम्मत है तब तक तो वो रिकवर करेगा लेकिन एक समय आएगा आपके जीवन में जब वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा तो फैट बढ़ाएगा तो लिवर फैटी क्यों हो रहा है वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है आप उसको खाना ही मत दो भोजन ही मत दो वो कोई सोल्यूशन नहीं है डाइटिंग किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है इच्छा से डाइटिंग कीजिए अच्छी बात है मगर डाइटिंग किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है लिवर तो उससे मजबूत नहीं होने वाला आपका अगर आपके शरीर में गृह अग्नि अच्छी होगी शरीर की शक्ति अच्छी होगी तभी रिकवर होगा और कोई रिकवर नहीं करता आपको तो आपको लगता है कोई दवाई आपको ठीक करती है सौ साल में कोई एविडेंस नहीं है कि दवाई ने किसी को ठीक किया सौ साल में कोई एविडेंस नहीं है बताओ एक भी डायबिटीज का मरीज ठीक हुआ सौ साल में दवाई खाके कोई ब्लड प्रेशर का मरीज सीख हुआ हार्ट डिजीज का मरीज ठीक हुआ दवाई खाके नंबर वन कॉज ऑफ डेथ बन गया है ना दो सौ साल पहले किसी को हार्ट अटैक नहीं आता था आज देखो हार्ट अटैक नंबर वन कॉज ऑफ डेथ है डायबिटीज एपिडेमिक बन डेथिटीज एपिडेमिकायर सुना है पच्चीस साल पहले सुना थाड सुना, सुना था क्या अभी थायरॉयड देखो सबको धीरे धीरे आ ही रहा है आ रहा है ना तो दवाई ने ऑटो इम इस मैं बता सकता हूं अस्सी परसेंट बीमारी दवाई ठीक नहीं करती सौ साल में कोई भी एविडेंस नहीं है इसका लेकिन आपका लिवर डैमेज जरूर करेगा वो आपका किडनी डैमेज करेगा तो किडनी के केसेस क्रिएटिन लेवल बढ़ गया कितने बढ़ रहे हैं बहुत बढ़ रहे हैं, लिवर के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो लिवर फैटी है इसका मतलब है वो बचा रहा है भाई इसको गलत मत बोलो आपको क्या करना है वो समझो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड गलत नहीं है शरीर बढ़ा रहा है क्योंकि उसको कॉर्टिसोल बनाना है आपका बॉडी स्ट्रेस में है तो कॉर्टिसोल बनाएगा तो उसको माल चाहिए ना कच्चा माल चाहिए कच्चा माल क्या है कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड तो क्या वो बढ़ाएगा नहीं तो उसको वो कच्चा माल चाहिए कॉर्टिसोल बनाने के लिए हैप्पी हार्मोन है कॉर्टिसोल सेरेटोनिन ये बनाता किससे शरीर किससे बनाएगा कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड से बनाता है तो किसी के अंदर शरीर में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया तो उसको क्या आप समझना चाहिए अरे बॉडी के अंदर स्ट्रेस फैक्टर बढ़ गए तो दो चीज समझिए पहला पार्ट सांसों के टर्म्स से समझा रहा हूं गृह अग्नि या मेटाबोलिज्म का मतलब क्या होता है आप लंबी सांस लें, खींचें इनहेल लंबा करके अगर फोर टाइम्स मोर देन द इनहलेशन टाइम अगर आप होल्ड कर सकें तब आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा ट मींस दस सेकेंड का सांस खींचा तो चालीस सेकेंड रोकने की कैपेसिटी विदाउट डिफिकल्टी होना चाहिए आपके शरीर में तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा कोई और नहीं करेगा आपके लिए आपको ही करना पड़ेगा दूसरा काम शरीर का टॉलरेंस जैसे ही बढ़ा देंगे ना तो रिस्क में नहीं आएगा शरीर ज्यादा झेल पाएगा तो उसको इतनी जल्दी cholesterol, triglyceride बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी जल्दी इम्यूनिटी को शूट अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो टॉलरेट कैसे करते हैं दस किलो का वेट उठाओ कैसे टॉलरेट करते हैं सांस रोक के बीस किलो उठाना है तो सांस रोकने की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी तभी टॉलरेंस बढ़ेगा दो बात बता दी आपको अब तीसरी बात भी समझ लीजिए तीसरी बात भी समझ लीजिए जब चाय की छन्नी से चाय छान रहे हैं तो मलाई ज्यादा अगर है तो चाय में छन्नी में जो स्ट्रेनर है उसके अंदर जम जाएगा फिर चाय नहीं जाएगी नीचे ये है आपका विसरल फैट ऑर्गन के अंदर लिवर के अंदर किडनी के अंदर का फैट हो गया ऊपर से चम्मच से प्रेशर डालते हैं तो जाता है ना जाता है कि नहीं जाता तो शरीर के अंदर प्रेशर क्रिएट कैसे करेंगे सांस रोक के ही तो करेंगे ना और तो कोई तरीका नहीं है तो विसरल फैट ठीक हो जाएगा कुंभक करने से जो ये फैटी लिवर है ये ठीक हो जाता है कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड जो धीरे धीरे करके वो नॉर्मल आएगा विसरल फैट खत्म होगा तो आपको आगे आने वाले ऑर्गन के डिजीज जो होंगे वो नहीं होंगे अगर अभी कोई है डायबिटीज या ब्लड प्रेशर का इश्यू है तो वो भी रिजोल्व हो जाए हो जाएगा क्योंकि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाएगा शरीर क्योंकि फैल नहीं रही कोई चीज तो फैलाने के लिए प्रेशर बढ़ाता है है ना डायबिटीज एब्जॉर्ब नहीं हो रहा कुछ तो शुगर लेवल ब्लड में ज्यादा दिखता है है ना दोनों ही मलाई जम गई है छन्नी में इसीलिए एब्जॉर्ब नहीं हो रहा या फैल नहीं रहा समझो विसरल फैट इसको अगर ठीक करेंगे कुंभक से तो आपकी प्रॉब्लम्स भी जाएंगी वो वाली जो डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है जो विसरल फैट की वजह से है ठीक है ना तो समझे ना बहुत आसान है समझना मगर समझिए ताकि यू कैन डू समथिंग अपॉन योर बॉडी विच कैन हेल्प यू मेक योर लाइफ बेटर नहीं तो आगे तो सबको बीमारी आ ही रही है ना अगर अभी रिवर्स करना है तो कुंभक करना पड़ेगा पूरी दुनिया को करना पड़ेगा